यूजी 2019 एग्जाम ओवर होने के बाद अब एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस पर डाउट किया जा रहा है, कुछ क्वेश्चंस को गलत माना जा रहा है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और उनके एक्सपर्ट्स की तरफ से ये डाउट जाहिर की गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और उनके एक्सपर्ट्स की तरफ से ये डाउट किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि ये क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं या ये क्वेश्चंस गलत हैं। माई नेम इज़ गुलशन झा एंड वेलकम टू माई YouTube चैनल करियर मीडिया। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने करियर मीडिया के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें, जिससे कि नीट यूजी 2019 से जुड़ी जो भी अपडेट्स हों वो सभी आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नीट यूजी 2019 के एग्जाम में आए, जिन पर डाउट किया जा रहा है, जिनको गलत माना जा रहा है। तो हम जानेंगे कि वो तीन क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और अगर इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से जाहिर की गई डाउट को सही माना जाता है, अगर वो क्वेश्चंस सही में गलत हैं, तो स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलेगा। स्टूडेंट्स को इन तीनों क्वेश्चन जो गलत हैं, जो गलत क्वेश्चंस आए हुए हैं, इन तीनों क्वेश्चंस के गलत साबित होने पर स्टूडेंट्स को 12 बोनस मार्क्स की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का पॉजिटिव मार्क्स 4 है। तो तीन क्वेश्चंस के लिए आप सभी स्टूडेंट्स, स्पेशली जिन्होंने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, उनको 12 मार्क्स एज अ बोनस मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या कहना है एक्सपर्ट्स का और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और एक्सपर्ट्स, सबसे पहले एम्बाइब का कहना है कि फिजिक्स सेक्शन के सेट P2 के क्वेश्चन नंबर 81 पर डाउट माना गया है, उसे गलत माना जा रहा है। और एम्बाइब की तरफ से केमिस्ट्री के सेट P2 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 13 को भी गलत माना जा रहा है एम्बाइब की तरफ से। वहीं अगर एलन कोटा की बात सुने तो एलन कोटा का कहना है कि सेट P2 केमिस्ट्री सेक्शन में से क्वेश्चन नंबर 13 को सही को एलन कोटा ने भी गलत माना है, उस पर डाउट जाहिर किया है। मगर आकाश और करियर पॉइंट की तरफ से अभी ऐसी कोई भी राय नहीं देखी गई है, राय नहीं आई है। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का कहना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस सेट P2 के गलत साबित हो सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि बायोलॉजी सेक्शन में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि डाउटफुल है, जो कि गलत है। मगर एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन में से टोटल ये तीन क्वेश्चन हैं जो कि डाउटफुल हैं, जो कि शंके में हैं, जो कि गलत साबित हो सकते हैं। सेट P2 केमिस्ट्री सेक्शन से क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 13 और सेट P2 फिजिक्स सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 81 गलत साबित हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, अगर सच में ये तीनों क्वेश्चंस गलत साबित हो जाते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स को, खास करके उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, उन सभी को 12 बोनस मार्क्स मिल सकता है, जो कि ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और करियर मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के साथ कुछ न्यू स्टैटिस्टिक्स, कुछ न्यू अपडेट्स नीट यूजी 2019 को लेकर के। आप सभी करियर मीडिया से जुड़े रहें, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।